बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपके लिए पेशावर की मशहूर मिठाई रसलवाला की रेसिपी लेके आए हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको लेना है 1 कप मैदा, और इसके अंदर हम शामिल करेंगे 1/2 चम्मच से थोड़ा सा कम बेकिंग पाउडर, और फिर हम थोड़ा सा फूड कलर लेंगे और इसके अंदर शामिल करेंगे। हम ऑरेंज फूड कलर का इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद हमने, जैसे हम आटा गूंथते हैं वैसे हमने इसको आटा बना लेना है। थोड़ा सा गूंदने के बाद हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं घी। तो घी हमने लिया है 3 चम्मच। इससे हमारी मिठाई बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेगी। और इसके बाद हमने इस आटे को अच्छे से गूंद लेना है कुछ इस मदद से। आप जब इसको गूंदेंगे तो बहुत ही ज़्यादा ये सॉफ्ट हो जाएगा। अब आटे को अच्छे से गूंदने के बाद हम इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए रख देंगे। अब हम बनाएंगे शीरा। तो शीरे के लिए सबसे पहले हमने लिया है 1 कप पानी, और पानी के अंदर फिर हम थोड़ी सी इलायची डालेंगे। हमने 3 छोटी इलायची इसमें शामिल किया, और उसके बाद हम लेंगे 1 कप चीनी, और इसके अंदर हम शामिल कर देंगे चीनी को, और अच्छे से मेल्ट होने तक हम इसको पकाएँगे थोड़ा सा। इस शीरे को तब तक इसको पकाना है जब तक इसके अंदर चीनी अच्छे से मेल्ट ना हो जाए। अभी भी आप देख सकते हैं कि इसके अंदर चीनी है, तो हम इसको और ज़्यादा पकाएंगे। हम इसके अंदर थोड़ा सा टेस्ट देने के लिए शामिल करें वेनिला एसेंस, जो कि नॉर्मली हम केक्स में इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा जायके और खुशबू के लिए हम इसको शामिल कर रहे हैं। और अब गाइस हम देख सकते हैं हमारे शीरा रेडी हो गया है। अंदर चीनी जो है सारी मेल्ट हो चुकी है, और इसकी कंसिस्टेंसी आपने गाढ़ी नहीं करनी बल्कि ऐसे ही रहने देनी। बस जब आपकी शुगर मेल्ट हो जाए तब ये बनकर रेडी हो गया। तो इसको हमने साइड पर रख दिया था 5 से 7 मिनट के बाद। अब हम इसको शेप देंगे। शेप देने में आपने इसको बिल्कुल गोल नहीं देनी शेप, बस थोड़े सा गोल देनी है। ज़्यादा गोलाई में शेप नहीं देनी, इस तरह की शेप देनी है जैसे आप देख रहे हैं। और जब आप इसको शेप दे रहे होंगे आप देखेंगे आटा इतना नरम होगा, इतना ज़्यादा सॉफ्ट होगा, बहुत अच्छा लगेगा जब आप इसको बना रहे होंगे। व्यूअर्स, आप हमारी वीडियोस को देखते हैं लेकिन हमारी वीडियोस को लाइक नहीं करते, तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक भी किया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें। हम आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत से वीडियोज़ लाते हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए। तो गाइज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने इसको जो है शेप दे लिए। छोटे आपने बनाने हैं, ज़्यादा बड़े नहीं बनाने। अब हमने यहाँ पर लेना एक पैन, और पैन में हम डालेंगे ऑयल और इसको गर्म होने देंगे। एक बात आपने नोट करनी है कि आपने जो ऑयल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना। यहाँ पर जो हमने ऑयल डाला है इसको सिर्फ हमने मेल्ट किया है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं किया। आपने बहुत लो आंच पर, बहुत लो फ्लेम पर इसको पकाना है, फिर ही ये रसलवाला मिठाई बनेगी, वरना ये जल जाएगी। अब आप देख सकते हैं कि जैसे हम इसके अंदर रसलवाला की मिठाई डाल रहे हैं, तो आप देख सकते हैं ऑयल कितना, मतलब अभी तक सही तरह गर्म भी नहीं हुआ, बिल्कुल छोटे छोटे से बबल्स बन रहे हैं। इस मिठाई को बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, और साथ में आप जल्दी से, अगर आपके घर कोई मेहमान आए हैं या फिर मीठा खाने का दिल कर रहा है, उस सूरत में आप ये वाली मिठाई खुद बना सकते हैं, झटपट बन जाती हो। आप इसको एक बार ट्राई ज़रूर करना।
अब आप देखिए कि हमने मिठाई को डाला था तो थोड़े थोड़े बबल्स शुरू हो गए हैं, और हमने जब तक इसको ज़्यादा बबल्स आ जाते हैं तब तक हमें इसको ऐसे ही रहने दिया। अब देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा बबल्स हो गए हैं, और हमने इसको ऐसे पकाते रहना है। लो फ्लेम पर आपने पकाना है। 2 से 3 मिनट के बाद आपके इस तरह के बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे और जो हमारे रसगुल्ला मिठाई है वो फूलना शुरू हो जाएगी। कि अब देख सकते हैं कि जो मिठाई है फूल कर ऊपर आ गई है, तो अब हम इसके साइड चेंज करेंगे। जो कि हमने इसको छोटी शेप दी थी, तो आप देख सकते हैं हमारे लिए कितनी ज़्यादा आसानी हो रही है, क्योंकि ये फूल जाते हैं और उसके बाद आपने इसको ऐसे करके चेक कर लेना है जैसे हम कर रहे हैं, कि अगर आपको लगे कि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है तो इसका मतलब ये बन चुकी है, और इसकी आप साइड जो है चेंज कर सकते हैं। दूसरी साइड को भी हम अच्छे से ऐसे ही पकाएंगे, और उसके बाद आप देख सकते हैं हमारी जो मिठाई है वो बनकर रेडी हो चुकी है। तो हमने जो है फ्लेम ऑफ कर देना है। अब यहाँ पर हम शीरे के अंदर इस मिठाई को डालेंगे। तो हमने ऑयल को अलग कर दिया था ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए, और इसके अंदर हम जो है रसगुल्ला मिठाई वो शामिल कर रहे हैं। इसको आपने अच्छे से थोड़ा सा मिक्स करके तकरीबन 10 मिनट के लिए छोड़ देना है, ताकि जो शीरा वो अच्छे से मिठाई को लग जाए और मिठाई मीठी हो जाए। सो गाइस, आपने देखा कि पेशावर की मशहूर रसगुल्ला मिठाई घर पर बनाना कितना आसान है। अब तो आप बना सकेंगे घर पर, और देख सकते हैं कितना रस भरा है। होप यू गाइस एंजॉय आवर वीडियो। इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज गिव आवर वीडियो अ बिग थम्स अप, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, डू लाइक शेयर एंड कमेंट। मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।